हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, परसों के दिन में एक वीडियो बनाई थी, छोटी सी कंपनी बड़ा बिजनेस, चाह बड़ा बनने की फरवरी में स्प्लिट भी, बोनस भी दिया, 4 रुपए का शेयर बना सकता है करोड़पति। एसपीसी एक्सपोर्ट्स ने यहाँ पर इस शेयर से रिलेटेड वीडियो बनाई थी और आज यहाँ पर अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। इसी तरीके से यहाँ पर माइक्रो कैप ब्रोकिंग स्टॉक से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, 4 से 5%, ये भी शेयर भागते हुए दिखाई दिए। ऐसे सिक्योरिटी की बारी है, ये भी स्टॉक बताया था, इस यहाँ पर भी चीजें भागती हुई दिखाई दी। इसी तरीके से आज भी एक स्टॉक लेके आया हूँ जहाँ पर प्रमोटर्स ने अच्छी खासी यहाँ पर बाइंग करी है। ओके, प्रमोटर्स ने खुद ने अपनी हिस्सेदारी अपने बढ़ाई है, खुद ने मार्केट से यहाँ पर शेयर खरीदते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ पर एक इस पर्टिकुलर कंपनी में कुछ बड़ा हो सकता है। जब भी कोई प्रमोटर कोई शेयर खरीदता है तो याद रखिए कुछ बड़ा होना वाला होता है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सब कुछ, पूरी कथा जान देंगे, चार्ट पैटर्न जानेंगे, काफी अच्छे चार्ट पैटर्न भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, बैलेंस शीट फंडामेंटल सब चीज यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल है सॉरी जो आपका चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको वीडियो मिले, आप देखें और यहाँ पर सीख सके। सीख के जब पैसा कमाना शुरू करेंगे तो याद रखिएगा, नोबडी कैन बीट यू इन दिस वर्ल्ड। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट बिफोर दैट एक बात और कहूंगा कि ये पर्टिकुलर नंबर्स है, अगर कोई बिजी रहता है, नहीं कर पाता स्टॉक मार्केट में इस तरीके की स्टडी, तो आप हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठा सकते हैं और बेहतरीन सर्विस आपको बड़े कम चार्जेस में आपको मिलती हुई नजर आएगी। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। और बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है इन पर्टिकुलर चीजों में, तो आप इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। तो हम जिस पर्टिकुलर स्टॉक से बात कर रहे हैं उसका नाम है क्लैरियंट केमिकल्स। तो हम बात करें तो देखिए यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनी है, बड़ी छोटी सी कंपनी है, तो इस चीज को थोड़ा सा अपने माइंड में हमेशा याद रखिएगा कि स्मॉल कैप में यहाँ पर थोड़ा ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बट यही कंपनी होती है जो आपको करोड़पति और बड़ा बना सकती है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी में इतना पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, बट उस तरीके से वो ऑलरेडी इतना आप लोगों को करोड़पति अरबपति बना चुकी है कि वो अभी बना सकती है, बट उस तरीके से स्पीड से नहीं भागेगी जिस स्पीड से यहाँ पर ये स्मॉल कैप कंपनी भागती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पर जाएंगे 2019 में देखिए कंपनी ने 5 रुपए का डिविडेंड, 2020 में देखिए एक बार 104-111 रुपए का डिविडेंड, 2021 में देखिए फिर 2 बार डिविडेंड 50 रुपए और 15 रुपए का यहाँ पर डिविडेंड दिया है। तो कंपनी यहाँ पर डिविडेंड देने में काफी माहिर है, एज वेल एज यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी ने काफी बार यहाँ पर 5 से ज्यादा बार यहाँ पर बोनस दिया है। और 1966 याद रखिए कितनी साल पुरानी यहाँ पर कंपनी है, 1966 में बोनस दिया, 1969 में बोनस दिया, 74 में बोनस दिया, 77 में, 80 में लास्ट यहाँ पर बोनस होता हुआ दिखाई दिया था। तो कंपनी छोटी नहीं, काफी यहाँ पर बड़ी होती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल की जान लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो यहाँ पर जाएंगे तो कंपनी यहाँ पर केमिकल्स में यहाँ पर काम करती हुई दिखाई देती है, एंड सेलिंग पिगमेंट्स एडिटिव्स मास्टर बैचेस एंड स्पेशलिटी केमिकल्स से रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है। प्लास्टिक एंड कोटिंग द सेगमेंट कंप्राइजेस पिगमेंट्स एडिटिव्स एंड मास्टर बैचेस, इट प्रोवाइड्स पिगमेंट्स फॉर द ऑटोमोटिव प्लास्टिक एंड अदर कोटिंग। यहाँ पर कंपनी यहाँ पर पर्टिकुलर अदर अलग बिजनेस में यहाँ पर अपने केमिकल्स देती हुई नजर आती है। प्रोडक्ट एंड बिजनेस में रहेंगे तो आपको पता चलेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिटिव्स में कौन से प्रोडक्ट है, कैटलिस्ट फंक्शन में इंटरेस्ट, यहाँ पर सब चीज से रिलेटेड आपको यहाँ पूरी जानकारी मिलती हुई दिखाई देगी। तो एक बार उनकी वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा तो आपको सब कुछ यहाँ पर आपके माइंड में क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। तो कंपनी एग्रोकेमिकल से रिलेटेड, हेल्थ केयर, फूड इंग्रेडिएंट्स, तो सबसे इस सब में यहाँ पर कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है। आप आ जाते हैं फाइनेंशियल्स पे, तो कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 1131 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है। इसके अलावा 29 के पीई पे चल रहा है, इंडस्ट्री का पीई भी 28 है, तो इसी के आसपास है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। आरओसी आरओई की बात करें तो 11% और 7% के आसपास का यहाँ पर आरओसी आरओई है। डेट फ्री कंपनी है, किसी प्रकार का डेट नहीं हो, डेट फ्री कंपनी की हमेशा ये खासियत रहती है कि इन्हें इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, किसी का कर्ज का यहाँ पर इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सारा प्रॉफिट दिखाई देगा इनके बैलेंस शीट में। इसके अलावा हम बात करें आरओसी 11 और 7, 643 रुपए से शेयर यहाँ पर करते करते यहाँ पर नीचे आया 488 रुपए, आज के दिन में लगभग 3.86% ये शेयर भागता हुआ भी दिखाई दिया था, और भी ज्यादा भागा था 5% से ज्यादा, बट यहाँ पर फिर नीचे आया 10 रुपए की फेस वैल्यू। तो कंपनी यहाँ पर कभी भी यहाँ पर स्प्लिट भी अनाउंस कर सकती है। इसके अलावा कुछ चीज और दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि स्मॉल कैप कंपनी में मैंने आपको बताया कि चीजें अगर भागती हुई दिखाई देंगी, अगर ये 10 रुपए का यहाँ 150 रुपए का शेयर 1000 रुपए पे जा सकता है, तो याद रखिए 1000 रुपए का शेयर यहाँ पर दोबारा 150 रुपए पे आ सकता है, ये ऐसी खासियत इन
पर्टिकुलर कंपनीज में रहती है, बट सही टाइम पे एंट्री लेना और सही टाइम पे एग्जिट लेना ये एक कला होती है। इस कला को सीखना शुरू करें और वो आएगी कब, जब आप यहाँ पर मार्केट में टाइम देंगे, जब यहाँ पर स्टडी करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे एज वेल एज लर्निंग करेंगे जितनी भी यहाँ पर डेली बेसिस पे, तो ये चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली आपको धीरे 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 थोड़ा सा टाइम देते देते आती चली जाएगी। तो यहाँ पर हर्डल्स आते रहते बीच में, कभी नीचे आता है कभी ऊपर जाता है, तो इस चीज को आप हमेशा रेडी रहिएगा इसके लिए। इसके अलावा क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे खासे आ रहे थे, फिर इसके बाद पैंडेमिक आया, थोड़ा सा यहाँ पर डाउन हुआ, फिर अगेन कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने शुरू कर दिया और इस बार की जो सेल थी 221 करोड़ रुपए की सेल्स थी, जो कि हाईएस्ट एवर सेल्स थी, तो दिस इज द पॉजिटिव पॉइंट। इसके अलावा प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट यहाँ पर हाईएस्ट एवर नहीं था, क्वार्टरली बेसिस पे हाईएस्ट एवर था, बट ईयरली बेसिस पे वो प्रॉफिट हाईएस्ट एवर नहीं था। इसी तरीके से मार्जिन पर भी इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया ईयरली बेसिस पे, इसी वजह से शेयर भी यहाँ पर नीचे आता हुआ दिखाई दिया और कुछ शेयर नीचे आया जस्ट बिकॉज मार्केट में भी गिरावट थी। तो नेट प्रॉफिट की बात करें स्टील कंपनी क्वार्टरली बेसिस पर लगभग 8.45 करोड़ रुपीस का यहाँ पर प्रॉफिट है, जो कि ईयरली बेसिस पे कम है बट क्वार्टरली बेसिस पे काफी बेहतरीन यहाँ पर दिखाई देता है और ईपीएस भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ईयरली बेसिस पे बात करें पिछले 10-11 साल की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर नजर आती है, 918 करोड़ से लेके कंपनी यहाँ पर 1100-1200 करोड़ तक गई, फिर उसके बाद एक डाउन साइड फेज आता हुआ दिखाई दिया जिसकी वजह से यहाँ पर ऊपर अगर आप चार्ट पैटर्न पे जाएंगे तो आपको चीज समझ में आएगी कि शेयर ऊपर जाने के बाद यहाँ पर लगातार नीचे आता हुआ दिखाई दिया जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, जस्ट बिकॉज ऑफ नंबर की, यहाँ पर नंबर कंपनी के बेकार होते हुए दिखाई दिए, बट कंपनी अब अगेन यहाँ पर कोशिश कर रही है और अगर कंपनी के नंबर लगातार अच्छे आते रहे तो कंपनी जिस तरीके से ऊपर से नीचे आई थी इसी तरीके से नीचे से ऊपर जाने में भी कंपनी को टाइम नहीं लगेगा। इसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट पिछले 12 मार्च 2021 की बात करें तो 220 करोड़ रुपए का यहां पर प्रॉफिट दिखाई देता है और जो कि काफी सालों बाद यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा 38 करोड़ रुपए का पिछले 12 महीने में यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई दिया है, तो इतना खास नहीं दिखाई दे रहा। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स 369 करोड़, बोरिंग की बात करें 2 करोड़ की, जो कि ना के बराबर है, वर्किंग प्रोग्रेस में 18 करोड़ रुपए और जैसी 18 करोड़ रुपए फिक्स एसेट में यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे तो यहाँ पर चीजें फिर दोबारा भागती हुई दिखाई दे सकती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स की बात करें तो कैश कंपनी का लगभग 16 करोड़ रुपए का कैश है और जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, देखिए जैसे कि यहाँ पर 51% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स की एज इट इज बनी हुई है पिछले 12 क्वार्टर की, तो जैसे और एफआईज की बात करें 72, डीआईज की बात करें 3.07% की, जो कि लगातार कम हुई है, ओके तो ज्यादा है यहाँ पर हिस्सेदारी नहीं है। पब्लिक की बात करें 45% की हिस्सेदारी है। अब इस क्या हुआ है 45% की हिस्सेदारी में से यहाँ पर प्रमोटर्स ने थोड़ी बहुत हिस्सेदारी यहाँ पर खरीदी है, तो लगभग 3% के आसपास की, मोर देन 3% की हिस्सेदारी यहाँ पर प्रमोटर्स ने खुद खरीदी है। और देखिए इतने टाइम में प्रमोटर्स ने नहीं खरीदी बट अब यहाँ पर खरीदी है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि प्रमोटर्स अपनी पर्टिकुलर कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि कंपनी में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, शायद कुछ टर्न अराउंड कुछ हो रहा हो या तो बिजनेस मॉडल में या रेवेन्यू में या कुछ ऐसा आ रहा हो जो आपको नहीं पता बट प्रमोटर्स को पता है, जो कि आने वाले 6 महीने में और 12 महीने में भी हो सकता है। तो इसलिए प्रमोटर्स ने पहले यहाँ पर शेयर लेके रख लिया। 3% की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा हिस्सेदारी होती है, याद रखिए 1100 करोड़ का 3% लगभग 333 करोड़ के आसपास के यहाँ पर शेयर होते हुए दिखाई देते हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देंगे तो अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा फ्यूचर में। तो ये चीज को ध्यान में रख के ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इसी के न्यूज की वजह से आज यहाँ पर शेयर लगभग 5% के आसपास यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया। जो मैंने यहाँ पर 3% बताया इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है तो आप यहाँ पर काउंट कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए सबसे पहले हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ओके उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एक बेहतरीन यहाँ पर कंपनी का सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। चीजें यहाँ पर नीचे आई थी तो यहाँ एक सपोर्ट बना था, तो यहाँ पर 448 का यहाँ पर एक बेहतरीन सपोर्ट, या लो की बात करूं तो हाँ 449.2% 448 के आसपास का सपोर्ट यहाँ पर सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर चीजें आई तो यहाँ पर 40 रुपए के आसपास नीचे आ सकती है, तो इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। बट यहाँ पर चीजें कुछ और भी दिखा रही है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो सकता है। ब्रेकआउट के लिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर लेवल, एक पर्टिकुलर नंबर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है 504। 504 का अगर ये लेवल निकला, 504.65 लगभग 505 पे शेयर ऊपर भागता हुआ दिखाई दिया, तो एक रैली होती हुई दिखाई देगी जो इस शेयर को एक अच्छे यहाँ पर अच्छे लेवल पर लेके हुए जाएगी
जो अगर मैं यहाँ से प्रॉफिट की बात करूँ तो लगभग लगभग इसे यहाँ तक लेके जाएगी जो कि 21% हो। और हमारा मतलब क्या रहता है, हमारा मतलब मकसद रहता है कि 6 महीने के अंदर अंदर हमें 21% के, 20% के या साल में 40% के रिटर्न मिल जाए तो हमारे लिए मोर देन इनफ और बेहतरीन रिटर्न माने जाते हैं। और याद रखिए 10 लाख रुपए इतने करोड़ रुपए में चेंज होंगे कि आप खुद नहीं समझ पाएंगे, इतने पैसे होते हैं। तो आप पेशेंस एज वेल एज थोड़ा सा टाइम और सही स्ट्रेटेजी को यहाँ पर यूज करेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पर पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये सबसे पहला टारगेट है। इसके बाद अगर ये इस रजिस्टेंस को तोड़ा तो दूसरा टारगेट यहाँ पर आएगा। तो इसी तरीके से ये थोड़ा बहुत टाइम लेके यहाँ पर कंसोलिडेट करके चीजें ऊपर जा सकती है, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके यहाँ पर पोजिशन लेनी है, किसी के कहने पर नहीं लेनी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।